टाइम ट्राई कर रहा हूँ फोर्थ टाइम अभी शायद लाइव सेशन अपना हो जाए हम्म hmm. कुछ नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे टॉप चैट लाइव चैट ऑल मैसेजेस आर विजिबल लाइव चैट ओके थर्टी सेवन सेकेंड्स तो मैं आगे के वेट वेस्ट कर चुका हूँ अभी मुझे पता नहीं कि मैं ऑडिबल हूँ नहीं हूँ एनी इसको कर देते कंप्लीट तो नौ बजे का वादा था आज इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाला था जो लोग मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पर एट द रेट शिफ सेला सुनील उस पर फॉलो करिए तो धनंजय मिसिंग है इसके बारे में फैक्ट्स किसी को अच्छे से नहीं पता और लोग वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं इसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए जैसे रोड पे एक्सीडेंट होता है वैसे शिप में भी एक्सीडेंट्स होते हैं और ये उसी का नतीजा है और आजकल शिपिंग में स्ट्रेस बहुत है ये बात भी मैं मानता हूँ कि इंडियन ऑफिसर्स कुछ ऑफिसर्स बहुत नाश्टी होते हैं मैं खुद सेलिंग कर चुका हूँ मैं खुद उनसे मिल चुका हूँ और उनसे मैं डील कर चुका हूँ और यही हम अपने चैनल पर बताते हैं कि भाई यंगस्टर्स के साथ कैसे बिहेव करना है क्या करना है मगर सपोर्ट कुछ अच्छा मिलता नहीं है शिपिंग कंपनीज से आई डोंट नो क्यों मगर ऐसा ही है तो ये बात स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था 2004 में जब मैं कैरेट शिप कर रहा था जब मैं कैरट शिप कर रहा था तो मेरे को सडनली एक कैप्टन का सुबह सुबह फ़ोन आया कि यार तेरे को डीएलपी करने को मिल रहा है क्या उस टाइम पे हमारा जो कैरेट रिकॉर्ड बुक होता था डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बोलते थे हम उसको तो डी कर रहा है क्या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम तो मैंने सोचा यार ये कैप्टन को सडनली क्या हो गया यार आज तक तो इसने कभी मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हारा डी कैसा चल रहा है क्या चल रहा है तो बाद में पता चला हमें कि दो कैडेट दो दिल्ली के कैडेट्स उन्होंने सेकेंड ऑफिसर के साथ मिल के कैप्टन को मार के ब्रिज विंग से पानी में फेंक दिया है और वो मर गया है तो ऐसा सुनने को इंसिडेंट आया था और बाद में पता चला फुल स्टोरी तो स्टोरी वो थी कि कैडेट्स लोगों को टाइम चाहिए था अपना डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम करने के लिए तो उन्होंने कैप्टन को बोला कि सर चीफ ऑफिसर बहुत काम देता है और हमें टाइम नहीं मिलता यार ये मैं बोले जा रहा हूँ बट कैसे पता चलेगा कुछ कमेंट नहीं कुछ नहीं हाउ विल नो चलो अपलोड तो हो जाएगा एटलीस्ट ओके तो तो कैडेट्स ने उनसे बोला कि हमें संडे को टाइम दे दीजिए सर चीफ ऑफिसर को बोल दीजिए कि हमें ऑफ़ दे दे तो हम अपना डी कर सकें तो चीफ़ ऑफिसर को ऑब्वियसली कैप्टन की बात सुननी पड़ी और कैप्टन की बात उसने सुनी और उसने उनको ऑफ़ दे दिया बाद में कैप्टन ने देखा कि ये लोग मैशरूम में मूवी देख रहे थे और ये थे छः फुट एक इंच के दो हट्टे गट्टे लड़के दिल्ली के तो कैप्टन को बहुत गु़स्सा आ गया और उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया और ये बात उन कैडेट्स को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने शाम को जाके सेकेंड ऑफिसर के साथ ऑलरेडी उस कैप्टन के, के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे और ऑलरेडी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था तो वो सब करके उन्होंने उसको रात को मार के पानी में फेंक दिया और इसी का नतीजा है दोस्तों कि हम लोग के टाइम पे जो चार महीने का प्रीसी ट्रेनिंग होता था वो वन ईयर का डीएनएस किया गया उन्होंने रियलाइज़ किया कि रियलाइज़ किया कि ये ट्रेनिंग का प्रेशर शिप में बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने शोर की ट्रेनिंग बढ़ा दी और आपका सी टाइम ट्वेंटी फोर मंथ से एटीन मंथ्स कर दिया जो कि सब के लिए बेनिफिशियल था शिपिंग कंपनी के लिए बेनिफिशियल था कि उन्हें कैडेट्स का कम सी टाइम है तो उनको कम स्टाइपेंट देना है कम ट्रेनिंग करवानी है सी की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए तो मजे ही हो गए कि फ़ीस कितनी ज़्यादा बढ़ गई एक साल की ट्रेनिंग मतलब ज़्यादा फीस सब कुछ ज़्यादा तो ये सारी चीज़ें डीजी के फेवर में थी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के फेवर में थी तो उन्होंने ऐसा कर लिया बाकी आप सी फेयर से पूछेंगे तो सब जानते हैं कि यार हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा सी टाइम हो उसी में आप ज़्यादा सीखते हो और रही बात इंडियन ऑफिसर्स की यस बहुत सारे बहुत नास्टी होते हैं वो अपने रैंक पे आके अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं उन्हें लगता है कि वो पता नहीं इतने बड़े आदमी बन गए हैं और वो दूसरों को रेस्पेक्ट भूल जाते हैं और वो ये उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते ये सोचते हैं कि यार ये तो कैडेड है इसकी क्या औकात है और क्या वैल्यू है मगर ऐसा हम नहीं सोचते हमारे मेरे चैनल पे ऐसा कभी नहीं होगा मेरा हमेशा बोलना है कि ईच एंड एवरी रैंक जहाज़ पे इंपॉर्टेंट है और इसीलिए होता है और सबको इक्वल रेस्पेक्ट देनी चाहिए और जहाज में अच्छा माहौल होना चाहिए देखिए झगड़े वगड़े छोटे मोटे ये सब घर में भी होते हैं शिप में भी होंगे लेकिन उनको डील करना चाहिए अब इस कैरेट ने क्या स्टेप लिया है वो क्या स्ट्रेस में था उसको किसी ने पानी में फेंक दिया या उसने सुसाइड कर लिया खुद ही जंप कर लिया और वो सब चीज़ें तो फैक्ट्स हैं नहीं मगर मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ कि ऐसे इंसीडेंट्स सुन के आप लोग डरो मत रोड पे भी एक्सीडेंट्स होते हैं कैंसर से भी लोग मरते हैं और दुनिया भर की प्रॉब्लम से हर इंडस्ट्री में होता है तो हमारी इंडस्ट्री में भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट होने ही वाले हैं ऐसे बस आपके लिए सजेशन यही है कि आपका बहुत ही ख़राब चीफ ऑफिसर हो ये हो तो टाइम पे आप अपनी आवाज़ खोलो अपना मुंह खोलो डरो मत आज के ज़माने में एम है आपकी आई है इतनी सारी चीज़ें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपको ऐसा कोई नेस्टी चीफ ऑफिसर मिला है चीफ ऑफिसर निकल रहे मेरे मुंह से चीफ ऑफिसर या फर्स्ट इंजीनियर ऐसा मिला है तो आप लोग डरो मत यही मेरा सजेशन है टाइम पे एक्शन लो ये जो धनंजय के साथ हुआ ये स्टेज आनी नहीं चाहिए थी उसको पहले ही टाइम पे ही सबको नोटिफाई वगैरह करना चाहिए था मानता हूँ कि कोरोना है क्रूचे नहीं हो रहा है उसका एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन अगर वो टाइम पे वॉइस रेज करता तो उसकी जान बच जाती वीन आ उससे ये प्रेशर कोप अप नहीं हो पा रहा है या फिर उसे सही में ख़राब ऑफिसर मिला है उसका शिप चेंज कर देते हैं उसका थोड़ा सा सी टाइम लेट हो जाता है बस इतना ही होता तो आप लोगों से सजेशन यही है कि शिप में ऐसे स्टेप्स मत लो स्ट्रेस होता है अकेले रहते हो और एक और सजेशन यहाँ पे यह है कि मर्चेंट नेवी भाई कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है आपको फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और उनके लिए ही बना हुआ मर्चेंट नेवी और सबके बस की बात नहीं है इनिशियली तो ये बहुत टफ होता है तो ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर होके जानी चाहिए बस इतना ही कहना था मुझे और ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए स्टे फिट जय हिंद आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन कुछ तो लफड़ा है मेरे को कमेंट्स वॉमेंट्स यहाँ पे नहीं दिख रहे वो हम बाद में सॉर्ट आउट करेंगे बाय